दोस्तों अभी मैंने टोकरी यहाँ पे लाई है, फेलकन को मैंने अंदर बंद किया हुआ है। तो टोकरी में अभी मैं चूजू को भर के बाहर ले जाके दूसरी मुर्गी के नीचे रखूंगा। तो गिर गया, एक गिर गया दोस्तों, बालो में। जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा, मेरे हाथ में एक इंतहाई खतरनाक किस्म की और एक डेंजरस फेलकन है। ये चेक कर सकते हो, इसके नाखून आपको नजर आ रहा है, तो इसकी लुक चेक करें दोस्तों। इंतहाई खतरनाक और अरेबिक वाइब आ रही है मुझे। तो मैंने यार काफी शौक के हिसाब से इसको रखा है और मुझे काफी चीजें इसके बारे में मालूम भी थी, इसको कैसे ट्रेन करना होता है, कैसे शिकार पे ले जाना होता है। तो मैं इस पे ऊपर इसके ऊपर ट्राई करके वो सारी चीजें कोशिश करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसको परचेस किया हुआ है। और ये चाहता था कि यार इसकी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर भी कर लो, तो दोस्तों इसका आप लोग थोड़ा सा हल्का सा शौक कर ले। बहुत इंतहाई प्यारी चीज़ है दोस्तों, इसके पाँव पंजू में इतनी पावर है यार, दो तीन बार तो इसने मेरी उंगलियों को नोच लिया है। अभी बड़ी मुश्किल से छुड़ाया है क्योंकि ये जंगली है, इसको हमने अभी थोड़ा बहुत ट्रेन कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का हमारा मेन टॉपिक ये नहीं था, हमारा मेन टॉपिक ये था कि हमारी मुर्गियों ने चूजे निकाले हैं बहुत सारे, एक मुर्गी के चूजे हमने शिफ्ट करके दूसरे मुर्गी के नीचे रखने हैं। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग में हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हम अपनी मुर्गियों के चूजे यहाँ अपने सेटअप से चूजे निकालने वाले हैं, बाहर के सेटअप ले जाके हमने वहाँ पे शिफ्ट करना है। तो दोस्तों मैं इसको रख के आता हूँ और व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने टोकरी यहाँ पे लाई है, फेलकन को मैंने अंदर बंद किया हुआ है। तो टोकरी में अभी मैं चूजू को भर के बाहर ले जाके दूसरी मुर्गी के नीचे रखूंगा। तो सबसे पहले आप अंदर चूजू को चेक कर लें, मुर्गी के नीचे चूजे आपको नजर आ रहे होंगे, ये चूजे चेक कर लें। यहाँ पे नीचे 10 चूजे हैं, हमने उनको बाहर शिफ्ट करना है और इस मुर्गी को हमने अभी अलग करना है क्योंकि हमारे पास बाहर ऑलरेडी एक मुर्गी लगी हुई है चूजू के साथ। तो हम ऐसे ही इसका टाइम ज़ाया नहीं कराएंगे, इसको हटाएंगे, मुर्गी के साथ रखेंगे तो फिर सही अंडे डालेगी। अभी दूसरी मुर्गी है, इन चूजू को गर्म करेगी, फिर जब ये बड़े होंगे तो फिर उसको हम चूजू से अलग कर लेंगे। काउंट करते जाओ दोस्तों आप लोग, काउंट। तो दोस्तों ये चूजे हमने इस बकेट के अंदर भर लिए हैं। अभी हमने इनको आराम आराम से ना, क्योंकि ये अभी बाहर उछल रहे हैं तो ये यहाँ से गिरेंगे तो ना जख्मी होंगे, हमने इनको इंतहाई एहतियात से अभी बाहर शिफ्ट करना है। तो बाहर वाले चूजे जिन भाइयों ने नहीं देखा है वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो। और हमने उनके लिए एक ब्रूडर भी बनाया था, उनकी वीडियो लगाई हमने, वो सारी वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल सकती हैं। ये बाहर उछल रहे हैं। तो आए दोस्तों, गिर गया, एक गिर गया दोस्तों, बाल बाल लग गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चेक करें दोस्तों, हमारे पिछले चूजे ये रहे, अभी ये इसके अंदर मिक्स होंगे, आप लोग पहचान भी नहीं सकोगे। यहाँ से पहले चूजे कौन से थे और दूसरे जो हमने रखे वो वाले कौन से थे, अभी ये बिल्कुल आपस में मिक्स हो गए, चेक कर सकते हो। क्योंकि इनके इनमें तकरीबन 10-15 दिनों का ही फर्क है, तो ये सारे सेम नजर आ रहे हैं। तो अभी हम इनके लिए नीचे पानी रखेंगे, फिर थोड़ा बहुत दाना डाल के इनको अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के चेक करेंगे ताकि ऐसा ना हो कि मुर्गी इनको मारने लगे। यहाँ पे अभी पानी लाया है दोस्तों, इनको पानी भी रखूंगा इनके लिए। मैंने 14 नंबर फीड, 13 नंबर फीड मिक्स दाना और 4 नंबर फीड का एक वो बनाया है मिक्सर, जिसको आप कह सकते हो, उन सबको मिला के हमने एक फीड बनाई है।
तो अभी मैं इनको ये खिलाता हूँ ताकि इनकी ग्रोथ, स्ट्रेंथ सब कुछ अच्छे से हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, चेक करें दोस्तों, ये बहुत अच्छे से आपस में घुल मिल गए हैं। हैरान हो गए हैं ये, इनको क्या पता नहीं, बेचारे चिल्ला रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि यार हम कहाँ आ गए, अपनी अम्मी से अलग हो गए। लेकिन ये भी इनकी अम्मी की तरह ही है, क्योंकि ये भी काली है, वो भी काली है, और ये काफ़ी अच्छी मुर्गी है दोस्तों। इनका बहुत ख्याल रखेगी। तो अभी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे बैठ के देखूँगा, चोंच ना मारे मुर्गी। दोस्तों अभी ये अच्छे से आपस में बैठने लगे हैं, बिल्कुल फ्रेंडली माहौल बनाए। नीचे आप लोग चेक कर सकते हो, अभी आप लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि यार आपको क्या, ये चूजे दो अलग अलग माओं की हैं। आपको अभी ऐसा लगेगा ये बिल्कुल एक ही मुर्गी ने निकाले हुए हैं। तो दोस्तों अभी हम शटर को बंद करेंगे और अंदर जाने के बाद दोस्तों आज एक बहुत बड़ा मसला हुआ है हमारे साथ। मसला ये हुआ है कि हमारे दो तीन मुर्गियाँ बीमार हैं यार, हमने उनके लिए भी दवाई शवाई लगाई है। इंशाल्लाह वो रिकवर होंगे, रिकवर नहीं हुआ तो हम उनके लिए दवाई चेंज करेंगे, कोई दूसरी दवाई लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पे सारे सेटअप में बड़े पड़े हैं परिंदे। जो भाई हमारे परिंदों को देखना चाहता है वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस चेक कर ले। हमने बहुत बार अपने परिंदों की वीडियोस बना के लगाई है। इम्पोर्टेड परिंदे हैं सारे, खूबसूरत फैंसी बर्ड्स है, बहुत सारे हैं। प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस चेक कर ले। अभी हम दोबारा से वो वीडियोस नहीं लगा सकते हैं क्योंकि जिन भाइयों ने देखा है वो बोर हो जाएंगे। तो अभी हम आप लोग को ये करते हैं कि यार वो चूजे दिखाते हैं जो बीमार हुए, ये चेक कर सकते हो दोस्तों। ये ब्लैक वाली जो मुर्गी है, फुल ब्लैक वाली, वो बीमार है। वो एक असील पट्टी है छोटी सी, और ये हमारी एक फैंसी बर्ड बीमार है, ये चेक कर सकते हो अंदर दोस्तों। ये बहुत बीमार है, पिछले दिन से बीमार है ये। इसका ये मुर्गी हमने नहीं परचेज की थी दोस्तों, ये चेक कर सकते हो। ये कितनी प्यारी मुर्गी है, फुल ब्लैक कलर में। इसको अभी हमने थोड़ा खिलाया है, ऊपर से दवाई भी दी है। अभी हम इसको थोड़ा बहुत देखेंगे, अगर ये रिकवर नहीं हुई तो हम इंशाल्लाह दवाई चेंज करके दूसरी दवाई लगाएंगे। अभी हमें इसको अंदर वापस कर। ये एक चेक कर सकते हो दोस्तों, फैंसी मेल है, ब्लू कोलंबियन, ये भी इम्पोर्टेड परिंदा है। तो दोस्तों आज हमने बहुत सारे काम करने, सारे वीडियो में शेयर नहीं कर सकते यार, बहुत सारे काम है। हमने बहुत फुर्सत से ये वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ हमारी इस मेहनत को ज़ाया ना करें, एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस का वेट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।